नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का नियो वोल्टेक चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की ऑनलाइन टेस्ट में मैं आपको 20 ऐसे सवाल लाया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना है। और दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि मैं आज आपको सवालों के साथ साथ इनके सही जवाब भी बताता जाऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास में कि सर हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करने में दिक्कत आती है, हमें पता नहीं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पर है, कहाँ जाके हम इनका सही जवाब चेक करें। तो आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैं आज आपके लिए सवालों के साथ में आपके जवाब भी लेकर गया हूँ। तो बने रहे पूरे वीडियो में, आज का ऑनलाइन देते रहे और जो भी आपको सही जवाब लगता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ऑनलाइन टेस्ट। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो के नीचे से लाल बटन को दबा करके, और बगल के इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा क्योंकि ये नोटिफिकेशन बेल आइकन है, इसको दबाने पर ही हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। क्योंकि हम आपको दे रहे हैं फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। पीडीएफ आपको यहां पर फ्री मटेरियल के तौर पर दी जाती है और साथ ही साथ जनरल साइंस, रीजनिंग, करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपको दिए जाते हैं जो आपको परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना होती है। और दोस्तों प्लीज अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इस तरीके से हेल्पफुल वीडियो लेकर आते रहें तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में इसे शेयर करिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ऑनलाइन टेस्ट। दोस्तों आज की ऑनलाइन टेस्ट का पहला सवाल है आप सभी के लिए, यदि पी का अर्थ माइनस, क्यू का अर्थ है गुणा, आर का अर्थ है भाग और एस का अर्थ है प्लस, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। जी हां दोस्तों, ये आपके सामने समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस जगह में इन चारों में से एक सही जवाब है वो आएगा, वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। जो बच्चे सही जवाब देंगे उनका नाम हम अगले वीडियो में अनाउंस करेंगे, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन सभी सवालों का सही जवाब देने की पूरी कोशिश कीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 32। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आप सभी के लिए, कल से पहले का दिन शुक्रवार था, कल के बाद का दिन क्या होगा, ए बी सी या डी। दोस्तों फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए आप। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मंगलवार। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन आंखों के लिए सबसे अच्छा है, ए बी सी या डी। सही जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए आप। इसका सही जवाब है विटामिन ए ऑप्शन ए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आप सभी के लिए, घर्षण गति की किस दिशा में लगता है, ए बी सी या डी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विपरीत दिशा में। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आप सभी के लिए, एलोसोम होता है, ए बी सी या डी। दोस्तों फटाफट से इसका सही जवाब देते जाइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लिंग गुण सूत्र। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपके मन में जो भी सवाल या सुझाव है वो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सवाल है, न्यूट्रॉन की खोज की थी, ए बी सी या डी। सही जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चैडविक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आप सभी के लिए है, ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट होने वाला विटामिन है, ए बी सी या डी। दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट अच्छा लगता है तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं कि हम इसे कंटिन्यूस रखें तो आप इसे लाइक करके दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, वीडियो के नीचे से लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आप सभी के लिए, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु क्या है, ए बी सी या डी।
सही जवाब कमेंट बॉक्स पे टाइप करना है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आप सभी के सामने अगला सवाल है, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती, ए बी सी या डी। दोस्तों फटाफट से इसका सही जवाब देते जाइए आप कमेंट बॉक्स पे टाइप करके। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आप सभी के लिए, सवाल है संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ था, ए बी सी या डी। दोस्तों ये सवाल ऐसे हैं जो परीक्षाओं में आ चुके हैं और आने की पूरी संभावना बनी हुई है कि ये सवाल आने ही वाले हैं, तो आप प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान से इन सभी सवालों के सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों चलिए अगले सवाल से चलते हैं। अगला सवाल है आप सभी के लिए, सत्यमेव जयते लिया गया है, ए बी सी या डी। सही जवाब कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंडोक उपनिषद से। ठीक है दोस्तों चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आप सभी के लिए, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी, ए बी सी या डी। दोस्तों फटाफट से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको कंपटीशन की तैयारियां करा रहे हैं और साथ ही साथ यहां पर जो भी नई रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी अपडेट भी हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो जो बच्चे इन सभी सुविधाओं का लाभ पाना चाहते हैं, वीडियो के नीचे लाल बटन मिलेगा आपको सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए और पास के नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आप सभी के लिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है, ए बी सी या डी। सही जवाब कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए फटाफट से। जो सही जवाब देगा उसको हम उसका नाम हम अगले वीडियो में बिल्कुल शो करेंगे। जी हां दोस्तों उसका नाम हम अनाउंस करेंगे बिल्कुल, जो भी इसका सही जवाब देगा इन 20 सवालों के सही जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द हैंग। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है मलिक कफूर जनरल था, ए बी सी या डी। सही जवाब कमेंट बॉक्स पे टाइप करना है। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आप सभी के लिए, तारपिन का तेल कहां से प्राप्त होता है, ए बी सी या डी। वीडियो को पॉज करके भी आप इनके सही जवाब दे सकते हैं। फटाफट से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, चीड़ का पेड़। दोस्तों अगला सवाल है आप सभी के लिए, भारत का पहला समाचार पत्र था, ऑप्शन चार है आप सभी के सामने, सही जवाब कमेंट बॉक्स पे टाइप करना है, ए बी सी डी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, बंगाल गजट। ठीक है दोस्तों चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में कौन उभयचर प्राणी है, ए बी सी या डी। दोस्तों फटाफट से कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए इसका सही जवाब।
दोस्तों अगर आप चाहते हैं हम कंटिन्यूस रखें आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, मेंढक। चलिए अगले सवाल तक चलते हैं। अगला सवाल है आप सभी के लिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है ए बी सी या डी। दोस्तों जो भी कैंडिडेट्स अगर इन 20 सवाल का सही जवाब देता है तो उसका नाम हम अगले वीडियो में अनाउंस करेंगे। तो प्लीज़ मैं सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन सवालों के जो भी आपके जवाब हैं वो कमेंट बॉक्स पे जरूर टाइप करें, जिससे हम चेक कर सकें कि किसने सही दिया है किसने गलत किया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 दिसंबर। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आप सभी के लिए, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक देश है ए बी सी या डी। सही जवाब कमेंट बॉक्स पे आपको टाइप कर देना है। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, थाईलैंड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आज ही ऑनलाइन टेस्ट का आखिरी सवाल है, विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है ए बी सी या डी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 मई। जिन बच्चों ने ऑनलाइन टेस्ट दे दिया है वो प्लीज वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। और जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है तो वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।